सर, आपका ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया था केबीसी से कि मेरा 25 लाख का लॉटरी लगा है जी। सर अपना लॉटरी नंबर बताइए, मैं लॉटरी आपका चेक करके बता देता हूँ जी। 1 मिनट सर, ये लॉटरी नंबर यहाँ पर लिखा है 5511। ओके 5511 जी सर, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा लाइन पे जी। जी सर, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि सर मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि सर आपका 25 लाख का लॉटरी विन हो गया है। सर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत सर मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। अच्छा, 25 लाख का लॉटरी लग चुका है जी। सर जी सर, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो सर। लेकिन सर आप ये बताइए, मैंने लॉटरी तो ना ही कोई रजिस्ट्रेशन किया था, ना ही मैं केबीसी खेला था, पर ये लॉटरी कैसे लग गया? जी सर जी सर, इसके अंतर्गत आपको पूरी जानकारी सर मैं दे रहा हूँ जी। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी जो जियो कंपनी है वो सर हर साल जो है हमारे 1000 नंबर पर 1000 जियो के जो यूजर्स हैं उनके मोबाइल नंबर पर लकी ड्रॉ कराती है, जिसमें आपका नंबर सर जो है लकी विजेता में सर शामिल हो गया है। तो आपको सर ये 25 लाख का लॉटरी लगा है सर। अच्छा, तो ये लॉटरी अमाउंट लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? जी सर मैं आपको जानकारी देता हूँ सर। ये जो है लॉटरी का अमाउंट सर अब हमारे सेली हेड ऑफिस में सर ये पहुँच चुका है। अच्छा जी सर, इसको लेने के लिए सर आपका यहाँ पे फाइल बनेगा। आपका फाइल सर जैसे ही कंप्लीट होगा, ये पूरा सर अमाउंट जो है 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में सर ट्रांसफर कर दिया जाएगा सर। अच्छा, तो मुझे कहाँ दिल्ली आना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर, मैं आपको जानकारी देता हूँ सर, आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है सर, सारा काम सर ऑनलाइन हो जाएगा जी। आपकी सर जैसे ही फाइल कम्प्लीट होगी, और फाइल कम्प्लीट होने का सर मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। हाँ जी बताइए। जी सर, इसमें आपको आपका जो आधार कार्ड है उसका एक फोटो और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है हमें व्हाट्सएप पर भेजना होगा। अच्छा। और सर जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं उसका उस पासबुक का भी एक फोटो हमें भेजना होगा जी। और हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, आपका फाइल बनाएंगे, जैसे ही मैनेजर के द्वारा जो है ये फाइल अप्रूव हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सर। अच्छा, तो मुझे क्या मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना होगा, व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा? जी सर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो। अच्छा मैंने सेंड कर दिया, सोचो तो उसके बाद मुझे पैसा कब तक आएगा ये बताइए पहले। जी सर मैं आपको जानकारी देता हूँ सर, जैसे ये भेजेंगे उसके आधे घंटे के अंदर ही सर ये आपका पूरा पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैं इसके अंतर्गत सरकारी सर आपको एक जानकारी और आप पहले ये बताइए, 25 लाख पूरा अकाउंट में आएगा मेरा? जी सर आधे घंटे में ना? जी सर ये पूरा जो है आपके बैंक अकाउंट में सर ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपको प्रूफ भी पूरा भेज दिया जाएगा। अच्छा, तो फाइल बताइए। जी सर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जब भी सर आपको पता होगा कि जब भी कोई बड़ा अमाउंट किसी को ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट आती है, तो गवर्नमेंट का एक टैक्स सर पड़ता है। हाँ, आप लोग पता है, नाम से जानते हैं। जी सर तो यहाँ पे आपका जो है 25 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है सर, तो इसको सर आपको लेने के लिए आपको यहाँ पे टैक्स लगाया है, गवर्नमेंट का टैक्स लगा है। अच्छा। सर आपको जो है 25 लाख के पीछे 12,500 रुपए बन रहा है, तो सर इसको भी जो है आपको भेजना पड़ेगा हमारी कंपनी के अकाउंट में, ये गवर्नमेंट टैक्स है सर। अच्छा ठीक है, अगर आप 25 लाख दे रहे हो तो 12,000 देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप भेजिए 25 लाख, उसके बाद मैं दे रहा हूँ आपको गवर्नमेंट। नहीं नहीं सर, ये कंपनी का सर ऐसा नहीं है, आपको सर ये जैसे ही आप अमाउंट जमा करेंगे ठीक है तभी सर आपको ये 25 लाख रुपए मिल पाएगा। अब और आपको जो है अपना जो भी बैंक डिटेल दिए होंगे, जो भी बैंक अकाउंट दिए थे उसी अकाउंट में जो है आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा सर। अच्छा, यानी कि मुझे मैं अभी यहाँ पर 12,000 आपको भेज रहा हूँ, उसके बाद आप फाइल बनाओगे, उसके बाद ही आप मुझे 25 लाख भेजोगे, ऐसे बोल रहे हो ना? जी सर ये आपको टैक्स दिखाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया है तभी। तो आप एक काम कीजिए ना, वो मैं समझ गया, तो आप एक काम कीजिए, तो वो जो मेरा 25 लाख है उसमें से काट लीजिए ना 12,000, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं सर, ऐसा कंपनी का रूल नहीं है सर, कंपनी में ऐसा कोई रूल नहीं है सर। अगर सुनिए, अगर आप 25 लाख दे रहे हो, 25 लाख दे रहे हो तो उसमें से 12 लाख काटने में क्या दिक्कत है? कोई भी आप जीएसटी वहीं से काटिए ना, जीएसटी काट के बाकी पैसा मुझे सेंड कीजिए। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो हमारे कस्टमर होते हैं उन कस्टमर को सर पूरा पैसा दिया जाता है, उस 25 लाख में से हम सर कोई पैसा नहीं काट सकते ठीक है, नहीं तो हमारे ऊपर कंपनी जो है गवर्नमेंट दबाव डालेगी कि आपने जो है पैसा क्यों कट लिया ठीक है। अच्छा। तो ऐसा जो है हमारे ऊपर सर प्रेशर आ जाएगा, तो इसलिए सर जो भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको पूरा यानी कि दिया जाता है। हाँ, यानी कि आप ये बोल रहे हो मैं आपको 12,000 सेंड करूँ और आप 25 लाख अगर नहीं भेजोगे तो फिर? आपको पूरा पैसा भेजा जाएगा सर, आप बस आपको 12,500 रुपए ही जमा करना है सर। अच्छा, बात तो सही बोल रहे हो। वैसे सर आप कि, कि, कि,
कितने दिन से काम कर रहे हो ये काम? सर बस अभी तो हमें काम करते हुए कंपनी में 3 साल हो गए। अच्छा, आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम राहुल शर्मा है। अच्छा राहुल शर्मा जी, मैं कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो तुम कर रहे हो, ये जो धंधा कर रहे हो, ये कब से कर रहे हो? सर ये कौन सा धंधा, ये तो सर मेरी जॉब है सर। हेलो बेटा सुनो, राहुल बताया था ना नाम? जी सर बताया। राहुल सुनो, तुम्हारा किससे बात हो रहा है तुम्हें पता है? किससे बात हो रहा है मेरा? मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ इस जिला का, ठीक है? और तुम एक इंस्पेक्टर से बात कर रहे हो, और मैंने सुना था इस नंबर पर कंप्लेन आया था कि तुम लोग ऐसे ही फ्रॉड करते हो, ठीक है? मुझे रोज कंप्लेन आता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा एक यहाँ पर एक कंप्लेन आया था, उसने मुझे बताया कि ये ऐसा लॉटरी आया, तो मैंने सोचा कि चलो बात करके देखते हैं तुम कैसे फ्रॉड करते हो लोगों के साथ। तुम लोग ऐसे गवर्नमेंट टैक्स मांगते हो, 25 लाख का लालच दिखा के गवर्नमेंट टैक्स भेजने के बाद पूरा नंबर ब्लॉक कर देते हो, और कुछ ना ही कॉल तुम रिसीव करते हो, नंबर ब्लॉक कर देते हो, ऐसे करके तुम लोगों के साथ फ्रॉड करते हो ना? सर आपके साथ तो फ्रॉड नहीं हुआ ना, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? अरे हमारा 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 सुनो बेटा, हमारा काम ही है लोगों को रोकना, ठीक है? अगर तुम लोग ऐसा करते रहोगे, अगर ऐसे ही फ्रॉड करते रहोगे तो हमारा क्या? सुनिए, आप इस तरीके से जो है ना, आप बीच में मत आइए, क्योंकि हम लोग का काम है डेली का चलता रहे। बेटा बीच में नहीं, बताओ। हम आज ये नंबर यूज कर रहे हैं, कल हम दूसरा नंबर यूज करेंगे, ये काम हमारा कभी नहीं रुकने वाला है। हमारा दूसरा नंबर नहीं, मैं समझ गया बेटा। तुम देख, इतने दिन जितने लोगों के साथ फ्रॉड करते थे ठीक थे, लेकिन अभी तुमने गलत जगह फोन लगा दिया, और तुम लोगों का इतना कंप्लेन आता है हमें, अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ। और फिलहाल तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा प्रूफ के द्वारा। अरे हम देखते हैं आप क्या कर लेते हैं, हमने तो डेली का यही। अच्छा काम नहीं, आप देखते हैं, रोक लेते अपना अच्छा पावर लगा के मुझे दिखाइए। अच्छा इतना अगर इतने गड़ूस दिखा रहे हो तो एक बार वीडियो कॉल करके दिखा, एक बार वीडियो कॉल कर व्हाट्सएप में, अभी वीडियो कॉल कर। गाइस प्लीज अलर्ट, इस तरीके का कंप्लेन इतना ज्यादा आता है हमें, इस तरीके का 25 लाख का लालच दिखा के पाकिस्तान से ज्यादातर कॉल आता है। आप लोग प्लीज ऐसा फ्रॉड से बच के रहना, बस इतना ही मैसेज है मेरे तरफ से। प्लीज अलर्ट।